हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चूड़ा। तो ये देखिए, हमने मखाना ले लिया है और ये मूंगफली का दाना और ये हरी मिर्ची और लहसुन। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पोहा, इसको चूड़ा भी बोलते हैं। ये घर का कूटा हुआ चूड़ा है, इसको हमने एक प्लेट भर के ले लिया है। देखिए, तेल हमारा हीट हो चुका है। अब ये लहसुन और हरी मिर्ची डाल देंगे। इतना ज़्यादा इसको लाल करेंगे, एकदम ये खर हो जाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं एकदम खड़ा इसको करना है, एकदम कड़ा हो जाइए, मतलब बिल्कुल भी गीला ना रहने पाए। तो देखिए, हरा मिर्चा लहसुन ये हो चुका है। अब हम इसमें चूड़ा ऐड करेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। 500 ग्राम ये चूड़ा है। अब हम इसको बहुत अच्छा भून लेंगे। तो ये देखिए, इसको अभी ये भूनना है कम से कम 10 मिनट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको इतना भूनेंगे कि ये खाने पे, ऐसे करने पे कुरकुर की आवाज आने लगे। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं ये अभी भी कुरकुरा नहीं हुआ। ऐसे हाथों से छूने से ऐसे टूट जाएगा, ऐसे चूर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है। अभी हम 2-3 मिनट और इसको भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये चूड़ा बिल्कुल भून चुका है। ये 2 दाना इसको खाइए, एकदम कुरकुरा लग रहा है। अब ये चूड़ा हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे। चूल्हे को हमने निकाल लिया है। अब हम इसी में रिफाइन और डाल दिया है। अब मखाना हम तल लेंगे। मखाने को भी अलग भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं हल्का। आप देख सकते हैं इसका भी कलर हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर इसमें हम मूंगफली का दाना फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें रिफाइंड डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम मूंगफली का दाना फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल धीरी आंच से करेंगे। जब ये चटकने लगेगी तो एक अच्छी सी चटकने की आवाज़ आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि मूंगफली का दाना हमारा हो चुका है। और इसमें भी हल्का नमक डाल देंगे। इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। तो देखिए, मूंगफली का दाना भी चटक रहा है, ये बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। मूंगफली का दाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम तो देखिए, सब अलग अलग हमने फ्राई करके निकाल लिया है। ये चिवड़ा है, ये मूंगफली, ये मखाना और ये जो हरी मिर्ची लहसुन हमने डाला था। तो ये देखिए, बिल्कुल कड़ा हो चुका है। देखिए, कड़क की आवाज़ आ रही है। देखिए, ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप 1-2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसमें सब मिला लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे।
देखिए नमकीन बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमने सर्व कर दिया है। ये लहसुन जो है ऐसे देखिए कितना कड़ा है, खाने में जब दांत के नीचे पड़ता है तो बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद आता है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए।